तो दोस्तों YouTube की तरफ से नया अपडेट निकल के आ चुका है, और वो अपडेट जो कि मोबाइल यूजर्स का एक्सपीरियंस काफी ज्यादा एनहेंस करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो अपडेट है वो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। साथ में यहाँ पर बात किया तो यहाँ पर जो अपडेट है यहाँ पर काफी सारी चीजें आपको बिल्कुल सीधे ही देने वाला है, यानी कि आपको बहुत ज्यादा काम अब नहीं करने पड़ेंगे। उसके अलावा बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर जो अपडेट है वो आपको कहाँ पर देखने मिलने वाला है और कैसे वर्क करेगा, सारी चीजें आपको मैं डिटेल से बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, और यहाँ पर वीडियो काफी नॉलेजेबल होने वाला है, तो वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहां पर मैं बात करने वाला हूं दो अपडेट्स के बारे में, और यहां पर जो पहला अपडेट है मेरे को 2-3 दिनों पहले ही मिल गया था। अब मैं यहां पर आपको चली मोबाइल के स्क्रीन पे लेके जाता हूं और दिखा देता हूं वो अपडेट अपन को कैसे देखने मिलता है, कहां पर देखने मिलता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने अपने मोबाइल की स्क्रीन को आपको बगल में दिखा देता हूं, तो यहां पर मैं आ चुका हूं और यहां पर मैं चली अपने अकाउंट पर आ जाता हूं। तो यहां पर मैं जैसे ही और चैनल पर क्लिक करता हूं तो यहां पर अपन अपने चैनल के ऊपर आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो मेरे चैनल का नेम है उसके नीचे आपको तीन ऑप्शन देखने मिल रहे होंगे। एक है मैनेज वीडियोस का, एक एनालिटिक्स का लोगो देख रहा है, उसके अलावा एक पेंसिल का मार्क देख रहा है एक तरीके से। ठीक है, यहां पर पहले क्या है, एक मैनेज वीडियो का ऑप्शन मिलता था, उसके अलावा यहां पर कस्टमाइज का ऑप्शन मिलता था। ठीक है, यहां पर चीजें अपग्रेड कर दी गई हैं। ठीक है, तो अब यहां पर चीजें मैं आपको बता देता हूं कैसे कैसे वर्क करती है। तो सबसे जो लास्ट वाला है पेंसिल, उस पर अगर अपन क्लिक करते हैं तो यहां पर क्या, अपन डायरेक्टली हो जाते हैं अपने चैनल के नेम वगैरह, और जो चैनल का डिस्क्रिप्शन है उसको चेंज कर सकते हैं, बैनर वगैरह चेंज कर सकते हैं, वो सब चीजें यहां पर अपन मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बैक आता हूं तो यहां पर अपन को फिर दूसरा ऑप्शन मिलता है जो कि फर्स्ट वाला मैनेज वीडियोस का, तो इस पर मैं क्लिक करता हूं तो यहां पर अपनी वीडियोस को अपन मैनेज कर पाते हैं। ठीक है, जो भी यहां पर अपन को चेंजेस करने हैं, जो भी चीजें वो यहां से आप आसानी से चेंज कर सकते हो। ठीक है, एडिटिंग वगैरह जो भी आपको करना है। ठीक है, अब यहां पर मैं बैक आ जाता हूं। अब बात करते हैं यहां पर जो कि मेनली वाला जो अपडेट है, यानी कि वही एनालिटिक्स का जो लोगो दिख रहा है उस वाले की, वो अपन के लिए काफी अच्छा कर दिया यूट्यूब ने। यहां पर जो अपडेट था वो यूट्यूब बोल रहा था पहले यहां पर यूट्यूब शॉर्ट्स जो क्रिएटर है उनके लिए निकाला गया, लेकिन यहां पर ये अपडेट सभी क्रिएटर्स के लिए निकाल दिया एक तरीके। ठीक है, यानी कि एक तरीके से पहले वो शॉर्ट्स क्रिएटर की जो सॉरी शॉर्ट वीडियोज का जो एनालिटिक्स था वो यहां पर यूट्यूब पर दिखाने वाला था, लेकिन यहां पर तो नॉर्मल चैनल की जो एनालिटिक्स है वो भी दिखाने वाला है। ठीक है, तो यहां पर मैं चलिए अब यहां पर जो लोगो है एनालिटिक्स का इस पर क्लिक करता हूं तो क्या क्या चीज अपन को देखने को मिलती है। तो जैसे ही मैं यहां पर क्लिक करता हूं तो सबसे पहले ऊपर यहां पर आपको व्यूज देख जाएंगे जो कि 28 डेज के, तो देख सकते हैं यहां पर 28 डेज में क्या रेस्पॉन्स जा रहा है वो चीज यहां पर अपन को दिखाई जाएंगी। उसके अलावा यहां पर दूसरा नंबर रहेगा जो कि वॉच टाइम का, तो यहां पर अपन को जो 28 डेज में क्या वॉच टाइम जा रहा है वो भी यहां पर बताएगा। यहां पर अपने जो सब्सक्राइबर्स है वो कितने जा रहे हैं 28 डेज में, तो वो भी यहां पर अपन को बताए जाएंगे। ठीक है, तो ये तीन चीजें तो यहां पर अपन को ऊपर ही कवर कर देगा। फिर नीचे अपन जाते हैं तो यहां पर जो अपनी वीडियोस हैं जो सबसे ज्यादा चल रही हैं टॉप कंटेंट, उनके बारे में अपन को बताएगा भाई 28 डेज में इन वीडियोस के ऊपर क्या क्या रेस्पॉन्स गया, कितने व्यूज गए, वो यहां पर अपन को टोटल बता देगा। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं यहां पर नीचे के अपन को नीचे की तरफ यहां पर ट्रैफिक सोर्स, यानी कि अपनी जो वीडियोज है वो किस ट्रैफिक सोर्स की वजह से ज्यादा चल रही है। ठीक है, तो वो सारी चीजें अभी अपन को यहां पर यूट्यूब बता देगा भाई यहां पर यूट्यूब सर्च की वजह से आपकी वीडियो ज्यादा चल रही है कुछ तो कुछ ब्राउजर फीचर की तरह से, तो ऐसे यहां पर अपन को बता देगा। और लास्ट में एक ऑप्शन मिल जाता है व्यू मोर इन यूट्यूब स्टूडियो। ठीक है, तो यहां पर अगर अपन को और भी चीजें जाननी है तो यहां पर अपन को व्यू मोर पे क्लिक करना होगा और ये अपन को डायरेक्टली स्टूडियो ऐप पे लेके चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पर यूट्यूब ने काफी अच्छा अपडेट कर दिया एक तरीके से, यहां पर अपन को यूट्यूब होम पेज पे ही अपन अपने चैनल का एनालिटिक्स देख पाएंगे। ठीक है, वाइटी स्टूडियो ऐप की अपन को जल्दी से आप जरूरत नहीं पड़ने वाली है, अगर अपन को डिटेल्स में जानना है तो स्टूडियो ऐप अपन को रखनी पड़ेगी। अब मैं यहां पर बात करता हूं फ्रेंड्स यहां पर दूसरे वाले अपडेट्स के बारे में, ये थोड़ा अपडेट पुराना हो चुका है लेकिन ये मेरे को अभी मिला है। ठीक है, तो यहां पर मैं दिखा देता हूं आपको। तो फ्रेंड्स यहां पर ये जो चीजें मैं आपको दोनों चीजें साथ साथ में दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो अभी जो नया है उसमें कितना चेंज है और पुराने वाले में मतलब क्या चेंज है। ठीक है, तो यहां पर जो पुराने वाला है वो मैं आपको दिखाता हूं जो कि मेरे चैनल को अभी देखने मिला है, और यहां पर बात करता हूं मेरे दोनों मोबाइल के ऊपर नहीं देखने मिला, मेरे एक दोस्त के मोबाइल के ऊपर देखने मिला था। ठीक है, तो यहां पर मैं देखता हूं तो दिखाता हूं आपको कैसे मतलब चीजें मतलब दिख रही है चेंजेस। ठीक है, पहले इंटरफेस जो कि होम स्क्रीन का कुछ अलग होता था अभी कुछ अलग है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो सबसे ऊपर आता है जो कि यहां पर अपने चैनल का लोगो वगैरह वही बैनर वगैरह और नेम वगैरह ऐसा कुछ। ठीक है, उसके अलावा यहां पर सब्सक्राइबर वगैरह का ऑप्शन मिलता है, बटन मिलता है, फिर यहां पर टोटल वीडियोस भी देखते हैं और डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके यहां से डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हैं। ठीक है, और जैसे आप यहां पर इससे स्क्रॉल करते हुए चलोगे तो यहां पर सारी चीजें मतलब सेम टू सेम दिखेंगी, लेकिन एक बस चीज यहां पर जो शॉर्ट्स वाला अपन यहां पर आ चुके हैं तो शॉर्ट्स में यहां पर अपनी रेगुलर लंबी वीडियोस दिखा दी है। ठीक है, लाइन वाइज दिखाई, लेकिन नए वाले में यहां पर आपको थोड़ा कम करके दिखा दी गई है। ठीक है, तो कुछ मतलब ज्यादा चेंज नहीं है, लेकिन यही है कि मतलब पहले जैसे कंपैरिजन के बजाय यहां पर होम स्क्रीन पे चेंजेस किए गए। ठीक है, टोटल वीडियोस भी बताई जा रही हैं और वो सब चीजें, तो मतलब काफी अच्छा मतलब एक तरीके से ये वाला इंटरफेस लग रहा है। पहले वाला तो क्या पुराना हो चुका है, तो उस तरीके से मतलब अपन को चीजें ज्यादा पसंद नहीं आती पुरानी चीजें। ठीक है, यूट्यूब भी चेंजेस करता रहता है, अपन भी यहां पर चेंजेस करते रहते हैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर कस्टमाइजेशन वगैरह हर चीज में, तो ऐसे मतलब चेंजेस करना जरूरी रहता है, तभी जाके चैनल के ऊपर और भी ज्यादा ग्रोथ देखने मिलती है। तो फ्रेंड्स यही कुछ अपडेट्स थे जो कि उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आएंगे, आप लोगों को ये अपडेट्स मिलेगी नहीं, और यहां पर ये अपडेट
अपडेट आप लोगों को कैसे लगे वो भी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड लोगों को शेयर जरूर कर देना फेसबुक व्हाट्सएप पे, और अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और अभी तक आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड लक।